हाथ की मेहंदी मुझ पे चोट बन के उभर आती है, तेरे माथे की बिंदी मेरी हाथों की लकीरें खा जाती है। अपनी मांग के सिंदूर से क्या हर बार मेरी सांस मेरी धड़कनों को टोकोगे? पिछली बार तो कुंदन था, मान गया, पर इस बार शंकर को कैसे रोकोगे? साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष को एक बहुत ही खास अभिनेता के रूप में जाना जाता है। उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई तो की थी, साथ साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से कई बार जनता का दिल भी जीता है। वहीं अब एक बार फिर से धनुष एक बहुत ही बड़ी फिल्म लेकर आने वाले हैं, जो कि एक खतरनाक एक्शन लव स्टोरी होने वाली है, जिसका नाम है तेरे इश्क में। जी हां, अभी हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक धमाकेदार टीजर के साथ में, जिसमें धनुष का काफी ज्यादा खतरनाक और डरावना लुक देखने को मिल रहा है। इस छोटे से अनाउंसमेंट टीजर में धनुष प्यार में इतने ज्यादा पागल और बेचैन नजर आ रहे हैं कि वो अपने आसपास की सभी चीजें जला रहे हैं। फिल्म के इस टीजर से ये तो साफ हो गया है कि फिल्म में हमें लव और रोमांस के साथ साथ काफी ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये फिल्म आनंद एल राय की डायरेक्शन में बनी फिल्म रांझा से इंस्पायर्ड है, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हमें धनुष के साथ सोनम कपूर लीड रोल में नजर आई थी, और फिल्म की स्टोरी, डायलॉग्स और गानों को भी लोगों ने खूब पसंद किया था, और लोग आज भी कुंदन और जोए की लव स्टोरी को देखना उतना ही पसंद करते हैं। वहीं अब 10 साल के बाद एक बार फिर से धनुष और आनंद एल राय रीयूनियन करने जा रहे हैं। वहीं फिल्म के इस टीजर से हमें ये तो पता लग गया है कि फिल्म की स्टोरी रांझा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी रांझा से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि रांझा मूवी में कुंदन ने अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस बार ये शंकर है जो कि अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को जलाने की हिम्मत रखता है और अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म के टीजर को देखने के बाद ये पक्का हो गया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाने वाली है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी एकदम हटके है और धनुष के लुक और डायलॉग्स काफी ज्यादा डरावने हैं। इसी साथ बात करें फिल्म के कास्टिंग की, तो फिल्म में हमें लीड रोल में धनुष ही नजर आने वाले हैं, और आने वाले समय में मेकर्स फिल्म के बाकी के स्टार कास्ट की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। वही बात करें फिल्म की डायरेक्शन की, तो फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर आनंद एल राय की डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, जिन्होंने रांझा और तेनु वेड्स मेनू जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि फिल्म को म्यूजिक दे रहे हैं इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर A.R. रहमान। वही बात करें फिल्म के रिलीज डेट की, तो फिल्म का शूट अब शुरू हो चुका है और अगले साल यानी 2024 के मिड तक हमें ये फिल्म देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी शंकर को धनुष के रोल में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिल्म से जुड़े ऐसे मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।